नमस्कार, मैं हूं अर्षी शेख आपके साथ और आप देख रहे हैं सी टीवी न्यूज हर कदम खबर क्यों। तो आइए नजर डालते हैं आज की ताजा सुर्खियों पर, आपके पसंदीदा खबरें फटाफट। खबरों की शुरुआत करते हैं किसानों से जुड़ी हुई खबर से। जिले में किसानों को खेतों में बीज बुआई का काम करने में घाई ना करने का आह्वान कृषि केंद्र संगठन द्वारा किया गया है। अभी मानसून की पूरी शुरुआत जिले में नहीं हुई है, जिसके चलते जब तक 75 मिलीमीटर से 100 मिलीमीटर तक की बारिश ना हो तब तक बुआई शुरू ना करने की सूचना दी गई है। साथ ही बीजों की खरीदी के वक्त अच्छे से जांच पड़ताल कर खरीदी करने का आह्वान भी किया गया है। और अब सावली से बड़ी खबर। सावली में चक पीरंजी के पास ट्रक और सुजुकी ब्रिजा वाहन की हुई जोरदार भिड़ंत, इसमें भैसारे परिवार के 3 लोग जख्मी हुए, जिसमें से एक व्यक्ति की हालत गंभीर बताई जा रही है। जख्मियों को इलाज के लिए गढ़चिरौली के जिला सामान्य अस्पताल में दाखिल किए जाने की जानकारी है। अब चलते हैं राजुरा की ओर। राजुरा में सास्ती परिसर के वेकोली से कोयले की तस्करी जोरों पर शुरू है। सास्ती के 17 नंबर कोल स्टॉक में एक ट्रक में अवैध रूप से कोयला भरते नजर आने पर एक व्यक्ति को किया गया गिरफ्तार, जिसके पास से 25 टन कोयला और ट्रक ऐसा कुल 7 लाख का माल जब्त किया गया है। सावली में मवेशियों की तस्करी होने की खबर मिलते ही सावली मूल मार्ग पर की गई नाकाबंदी। आयशर ट्रक पर आए शक से ट्रक की तलाशी ली गई, जिसमें 16 मवेशी को बंद कर रखा गया था। इन 16 मवेशियों को मुक्त कर 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किए जाने की जानकारी है। मानसून शुरू होने का सभी को इंतजार रहता है, लेकिन मानसून के साथ बारिश और उसके साथ बिजली की भी मुसीबत होती है। ऐसी एक खबर कोरपना से है। कोरपना तहसील के बेलगांव में 16 वर्षीय युवती की बिजली गिरने से गई जान। गौरी कोड़ापे ऐसा मृत युवती का नाम है, जिसके साथ अन्य 5 लोग भी बिजली गिरने से जख्मी होने की है खबर। 5 जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। सावली के हरम्बा गांव में अनिल कुनघाटकर नामक व्यक्ति के तबेले से बांध कर रखी भैंस की जहरीली सांप काटने से हुई मृत्यु। भैंस की मृत्यु से व्यक्ति का 20 से 25,000 रुपए का नुकसान होने की जानकारी है। मानसून की धमाकेदार शुरुआत होने से पहले ही अचानक बदलते मौसम में कड़कड़ाती बिजली अब तक कई किसानों के जान से खेल चुकी है। खेतों में खुले आसमान के नीचे काम करते हुए किसान अपनी जान जोखिम में डालकर खेती करते हैं। ऐसे में इन किसानों की सुरक्षा के लिए प्रशासन बिजली अटकाव यंत्रणा की मदद किसानों तक क्यों नहीं पहुँच पा रही, ऐसी चर्चा नागरिकों में शुरू है। नागपुर के MIDC थाना परिसर में शराब विक्रेता की चाकू मारकर कर दी गई हत्या। मृतक नीलडो निवासी चेतन अंकुश मोहल्ले उम्र 22 शराब का धंधा करता था और 17 वर्षीय आरोपी किशोर से उसकी पुरानी जान पहचान थी। हत्या के पूर्व दोनों के बीच विवाद हुआ, जिसमें दादागिरी करते हुए किशोर ने चेतन पर चाकू से हमला कर दिया। जख्मी अवस्था में चेतन को अस्पताल ले जाया गया, जिसके बाद डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। जिले में 16 जून से 30 जून रात 12 बजे तक महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम 1951 का कायदा 1 और 3 लागू किया गया है। इस दौरान कायदा और सुव्यवस्था बाधित करने, शस्त्रों का इस्तेमाल करने, व्यक्ति की आकृतियां या प्रतिमाओं को लेकर प्रदर्शन करने, घोषणाबाजी करने, मोर्चा निकालने या कोई भी सार्वजनिक जगह पर कार्यक्रम आयोजित करने पर कार्रवाई किए जाने की जानकारी जिलाधिकारी अजय गुल्हाने ने दी है। तो सी टीवी न्यूज हर कदम खबर की ओर में थी खबरें फटाफट। मिलते हैं कुछ ही देर में नई खबरों के साथ। आप बने रहिए सी टीवी के साथ। नमस्कार।